राजकुमार जी मुझे सुन पा रहे हैं? संस्कृत शौर्य समूह से जुड़े समस्त प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथमं इदानीं यावत् अस्माभिः यत् अधीतं तस्य समासेन किञ्चित् निरूपणं विधीयते, तदनन्तरं अग्रे तावत् सरामः। यथा भवन्तः जानन्ति यत् सांख्यकारिकाकारेण प्रथमकारिकया एतत् प्रतिपादितं यत् संसारे आध्यात्मिकम् आधिभौतिकम् आधिदैविकं चेति दुःखत्रयं वर्तते, किञ्च तद्दुःखत्रयं सर्वेषामपि प्रतिकूलवेदनीयम्। अत एव दुःखत्रयस्य जिहासा सर्वेषु अपि तावत् प्राणिषु वर्तते। अतः दुःखत्रयस्य निवृत्तये प्राणिनः यतन्ते। अतः दुःखत्रयस्य उन्मूलनस्य कः उपायः स्याद् इति विषये जिज्ञासा जायते। सांख्यशास्त्रानुसारेण सांख्यशास्त्रीयतत्त्वज्ञानम् एव तावत् दुःखत्रयनिवृत्तेः ऐकान्तिकः आत्यन्तिकस्य उपायो वर्तते इति सांख्यानां राद्धान्तः। तत्र न तु दृष्टेन उपायेन दुःखत्रयस्य ऐकान्तिकी आत्यन्तिकी निवृत्तिः सम्भवति, न वा आनुश्रविकेन अर्थात् श्रौतेन उपायेन दुःखत्रयस्य आत्यन्तिकी ऐकान्तिकी च निवृत्तिः सम्भवति इति प्रथमकारिकया द्वितीयकारिकया च प्रतिपादितं। तेन सांख्यशास्त्रीयतत्त्वजिज्ञासा उपपद्यते इति प्रथमद्वितीयकारिकया सांख्यकारिकाकारेण प्रतिपादितं। तदनन्तरं मूलप्रकृतिरविकृतिः इति तृतीयकारिकया तावत् सांख्यीय पञ्चविंशतितत्त्वानां चतुर्धा विभाजनं प्रस्तुतं। तत्र या तावत् मूलप्रकृतिः सा केवलं प्रकृतिः अर्थात् केवलं कारणं, न तु कस्यापि कार्यं। किञ्च षोडशतत्त्वानि एकादशेन्द्रियाणि पञ्चमहाभूतानि चेति षोडशतत्त्वानि केवलं तावत् कार्याणि वर्तन्ते, विकृतयः वर्तन्ते, न तु कस्यापि तावत् कारणभूतानि। किञ्च सप्तत्वानि महत् अहङ्कारः पञ्चतन्मात्राणि चेति सप्तत्वानि अपेक्षा बुद्ध्या तावत् कारणानि अपि सन्ति, कार्याणि अपि सन्ति, प्रकृतयः अपि सन्ति, विकृतयः अपि सन्ति। किञ्च यः पुरुषः स न तु कार्य न तु कस्यापि कारणं न तु कस्यापि कार्यम्, अतः न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः इति तत्र उक्तम्। एवं तत्त्वानां चतुर्धा विभाजनं कृतं। चतुर्धा विभाजनं विधाय एतानि सन्ति प्रमेयानि, प्रमेयज्ञानं च प्रमाणाधीनम् इति कृत्वा तत्र प्रमाणस्य निरूपणं कर्तव्यम्। अतः सर्वप्रथमं प्रमाणसामान्यस्य निरूपणं कृतं। तत्र प्रमाणमिति पदं तावत् समाख्या वर्तते, अतः प्रमीयते अनेन इति या व्युत्पत्तिः निरुक्तिः निर्वचनं, तत् निर्वचनमेव प्रमाणस्य लक्षणं वर्तते इति प्रमाणसामान्यस्य लक्षणं कृतं। तदनु दृष्टम् अनुमानम् आप्तवचनं चेति प्रमाणत्रैविध्यं तावत् तत्र निरूपितं। तत्र एकैकस्य प्रमाणस्य यद् विशेषस्वरूपनिरूपणं विशेषलक्षणनिरूपणं तत् अग्रिमकारिकायां तावत् प्रतिविषयाध्यवसायु इत्यादि कारिकायां तावत् कृतं। तत्र दृष्टप्रमाणस्य लक्षणं कृतं प्रतिविषयाध्यवसायः, प्रतिविषयपदस्य अर्थ अर्थसन्निकृष्टम् इन्द्रियं तदाश्रितं यत् तावत् तदाश्रितः ज बुद्धिव्यापारः अर्थात् बुद्धेः वृत्तिः, सा बुद्धिवृत्तिरेव तावत् प्रत्यक्षं प्रमाणं भवति इति उक्तं। किञ्च लिङ्गलिङ्गिपूर्वकं तावत् अनुमानं भवति इति उक्तं।
तत्र लिंगम तावत् व्याप्यं भवति लिंगी व्यापकं भवति अतः व्याप्य व्यापक भाव ज्ञानपूर्वकम् अनुमानं भवति अर्थात् व्याप्ति ज्ञानपूर्वकम् अनुमानं भवति इति अनुमान लक्षणं कृतं किंतु तस्मिन् लक्षणे दोषः समायाति यतो हि केवलं व्याप्ति ज्ञानेन अनुमानं न भवति तत्र पक्षधर्मता ज्ञानमपि अपेक्षते अतः पक्षधर्मता ज्ञानरूपः अर्थः यथा स्यात् तदर्थं तावत् लिंगी पदस्य आवृत्ति कृता लिंगी च इति लिंगिनी लिंगम च लिंगिनी च इति लिंगलिंगिनी तत्पूर्वकं लिंगलिंगी पूर्वकं इति अनुमानस्य तावत् लक्षणं कृतं तत्र प्रथमं यत् लिंगपदं तस्य अर्थः व्याप्यं लिंगी पदस्य अर्थः व्यापकः एतावता व्याप्य व्यापक भावरूपः अर्थः समायातः तदनु द्वितीयं यत् लिंगी पदं तस्य अर्थः लिंगम अस्य अस्ति अर्थात् लिंगम अर्थात् हेतुः धूमः अस्य अर्थात् अस्य पक्षस्य पर्वतस्य अस्ति इति पक्षधर्मता ज्ञानमपि अर्थः अत्र समायाति एतावता व्याप्य व्यापक भाव ज्ञानपूर्वकं किंच पक्षधर्मता ज्ञानपूर्वकं अनुमानं भवति इति अनुमानस्य संपूर्णं लक्षणं तत्र प्रस्तुतं तत्र अनुमानस्य त्रैविध्यमपि प्रथमतया तावत् प्रतिपादितं तत्र तावत् पूर्ववत् शेषवत् सामान्यतो दृष्टं चेति त्रिविधं अनुमानं भवति ततः पूर्वं तावत् वीतम् अवीतं चेति भेदद्वयं तत्र प्रतिपादितं तत्र वीतानुमानं तत् भवति यत् अन्वयव्याप्तिप्रधानम् अनुमानं भवति अन्वयमुखेन प्रवर्तमानम् अनुमानं तद् अनुमानं तावत् वीतम् अनुमानम् इति उच्यते किञ्च यद् व्यतिरेकमुखेन अर्थात् यत्र व्यतिरेकव्याप्तेः प्राधान्यं भवति तद् अनुमानं तावत् अवीतम् अनुमानं भवति अवीतमेव शेषवद् अनुमानमिति उच्यते शेषवत् इत्यस्य अपरं नाम वर्तते परिशेषानुमानमिति तर्हि तत्र अनुमानस्य त्रैविध्यम् एवं प्रतिपादितं पूर्ववत् शेषवत् सामान्यतो दृष्टं पूर्ववतः लक्षणं कृतं दृष्टस्वलक्षणसामान्यविषयमिति तत्र स्वलक्षणपदस्य अर्थः वैयक्तिकं रूपं विशेषस्वरूपम् अर्थात् यस्य सामान्यविशेषस्य अनुमानं क्रियते तस्य यः विशेषस्वरूपं स्वलक्षणं तद् यदि पूर्वतः यदि दृष्टं स्यात् पूर्वतः यदि ज्ञातं स्यात् तर्हि तत् पूर्ववद् अनुमानमिति उच्यते किञ्च यथा पर्वते एतावत् धूमं दृष्ट्वा यदा वह्नित्वसामान्यस्य अनुमानं क्रियते तस्य वह्नित्वसामान्यस्य स्वलक्षणम् अर्थात् वह्निविशेषः पूर्वत एव रसवत्यां तावत् अस्माभिः दृष्टः ज्ञातः अत एव इदं तावत् पूर्ववद् अनुमानम् किन्तु यथा रूपादि विज्ञानानि करणवन्ति क्रियात्वात् इति अनुमानं क्रियते रूपादि विज्ञानानां करणवत्त्वम् अनुमीयते तस्य करणवत्त्वे तत् करणवत्त्वं यद् अनुमीयते तत् इन्द्रियविषयकम् इन्द्रियत्वसामान्यस्य यत् विशेषस्वरूपं स्वलक्षणं तत् पूर्वतः ज्ञातं नास्ति दृष्टं नास्ति अत एव अदृष्टस्वलक्षणमिदम् अनुमानं वर्तते अतः इदम् अनुमानं तावत् सामान्यतो दृष्टम् अनुमानं वर्तते एवं क्रमेण पूर्ववत् शेषवत् सामान्यतो दृष्टम् इत्येवं तावत् अनुमानस्य त्रैविध्यं निरूपितं तदनन्तरं तावत् आप्तवचनप्रमाणस्य निरूपणं कृतम् आप्तश्रुतिरिति आप्तश्रुति इति पदस्य आप्तपदस्य अर्थः कृतः आप्ता प्राप्ता युक्ता इति यावत् इति तत्र उक्तम् आप्ता चासौ श्रुतिः आप्तश्रुतिः श्रुतिपदस्य तत्र अर्थः वाक्यजनितं वाक्यार्थज्ञानम् एतावता वाक्यजनितं यद् वाक्यार्थज्ञानं तदेव तावत् आप्तवचनं प्रमाणमिति आप्तवचनप्रमाणस्य लक्षणं कृतम् एवं तावत् दृष्टम् अनुमानम् आप्तवचनं चेति यत् प्रमाणत्रयं तस्य प्रमाणत्रयस्य सामान्यलक्षणं तदनु विशेषलक्षणं तावत् साङ्ख्यकारिकाकारेण किञ्च आचार्यवाचस्पतिमिश्रेण तत्त्वकौमुद्याम् एतत् सर्वं प्रतिपादितं तदनन्तरं केन प्रमाणेन तावत् किञ्च तदनन्तरं ये तावत् नैयायिकादयः अन्ये दार्शनिकाः सन्ति तेषाम् अभिमतानि अन्यानि यानि उपमानादीनि प्रमाणानि सन्ति तेषां प्रमाणानाम् अन्तर्भावः साङ्ख्यमते कुत्र कुत्र भवति इति तत्र प्रतिपादितं तत्र उपमानस्य अन्तर्भावः प्रत्यक्षेपि भवति अनुमानेपि भवति आप्तवचनेपि भवति विभिन्नदृष्ट्या तत्सर्वं प्रतिपादितम् अर्थापत्तेः तावत् अन्तर्भावः भवति अनुमाने किञ्च
अभावस्य अभाव नामकः कश्चन पदार्थः सांख्ये न स्वीक्रियते यतो हि अभावः अधिकरणस्वरूपः भवति यतो हि भूतले घटो नास्ति इत्युक्ते किं दृश्यते भूतलमेव दृश्यते तस्य अधिकरणमेव दृश्यते अतः तस्य तु प्रत्यक्षमेव भवति अतः अभावस्य तावत् प्रत्यक्षे अन्तर्भावः कृतः अनुपलब्धिः इत्यपि उच्यते अभावः किञ्च संभवः यथा खार्यां द्रोणादीनां संभवः इति संभवरूपं तावत् प्रमाणमपि तत्र ऐतिहासिकैः पौराणिकैः तावत् मन्यते तस्यापि तावत् अन्तर्भावः अनुमाने भवति यतोहि 100 रूप्यकाणि यदि भवतां पार्श्वे सन्ति तर्हि 100 रूप्यकेषु 50 रूप्यकाणि अपि सन्ति 20 रूप्यकाणि अपि सन्ति 10 रूप्यकाणि अपि सन्ति एवं तावत् अनुमानम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते अतः तस्य संभवस्य अन्तर्भावः अनुमाने भवति किञ्च एतद् अनन्तरम् ऐतिह्यप्रमाणं यत् पौराणिकैः स्वीक्रियते इतिह ऊचु वृद्धाः एवम् ऊचुः किम् ऊचुः अत्र वटे यक्षः प्रतिवसति इति अस्मिन् वटवृक्षे कश्चन यक्षः प्रतिवसति इति ऐतिह्यरूपं किमपि प्रमाणं पौराणिकैः स्वीक्रियते तद्विषये उच्यते यदि तस्य यतो हि ऐतिह्यं यद्भवति तत् अनिर्दिष्टप्रवक्तृकं भवति तस्य प्रवक्ता कः वर्तते केन एवं तावत् इदं प्रथमतया उक्तम् इति नैव ज्ञायते एतावता अनिर्दिष्टप्रवक्तृकत्वात् संशये तावत् तस्य अन्तर्भावो भवति सांशयिकमेतत् ज्ञानम् किञ्च यदि तस्य प्रवक्ता कः वर्तते इति यदि निश्चयः स्यात् तदा तु तावत् आप्तवचनत्वात् इदम् आप्तवचनप्रमाणमेव भवति अतः आप्तवचने तस्य अन्तर्भावः भवति एवं प्रकारेण उपमानादीनाम् अन्यदार्शनिकाभिमतानां प्रमाणानां तेषु प्रमाणेषु तावत् अन्तर्भावः तावत् दर्शितः साङ्ख्यैः एतावता साङ्ख्यानां मते तावत् दृष्टम् अनुमानम् आप्तवचनं चेति प्रमाणत्रयमेव इष्टं वर्तते साङ्ख्यानाम् इति एतावत्पर्यन्तं प्रतिपादितं तदनन्तरं केन प्रमाणेन कस्य तावत् प्रमेयस्य उपलब्धिर्भवति इति वक्तुं तावत् तत्र उक्तं यत् सामान्यतस्तु दृष्टाद् अतीन्द्रियाणां प्रतीतिरनुमानात् प्रधानादीनाम् अतीन्द्रियाणां प्रतीतिः सामान्यतो दृष्टात् अनुमानात् भवति किञ्च यस्य प्रमेयस्य तावत् ज्ञानं न तु सामान्यतो दृष्टेन अनुमानेन भवति न वा शेषवद् अनुमानेन भवति तस्य तावत् ज्ञानम् आप्तवचनेन भवति इति उक्तं यत् तस्मादपि चासिद्धं परोक्षम् आप्तागमात् सिद्धमिति अतः आप्तवचनप्रमाणेन तस्य सिद्धिर्भवति तदनन्तरम् एकः प्रश्नः तत्र समुपस्थापितः यत् जड्वस्तु संसारे न दृश्यते यस्य प्रत्यक्षं न भवति तत् नास्ति इति अस्माभिः सामान्यतया उच्यते प्रधानमपि न दृश्यते प्रधानस्यापि प्रत्यक्षं न भवति एतावता प्रधानमपि नास्ति इति उच्यताम् अभावादेव प्रधानं नास्ति इति उच्यतां तत्र उच्यते न हि अयि भोः सतोपि वस्तुनः अनुपलब्धिः कैश्चित् कारणैः तावद् भवति कानि च तानि कारणानि तत्र उक्तम् अतिदूरात् सामीप्यात् इन्द्रियघातात् मनोनवस्थानात् सौक्ष्म्यात् व्यवधानात् अभिभवात् समानाभिहाराच्च इति एते तावद् हेतवः वर्तन्ते अत्यन्तं तावत् दूरे यदा किञ्चित् वस्तु भवति तदा तद्वस्तु न दृश्यते नैतावता वक्तुं शक्यते यत् तद्वस्तु नास्ति तथैव लोचनस्थं यद् अञ्जनं तत् अतिसामीप्यात् न दृश्यते नैतावता वक्तुं शक्यते अञ्जनं नास्ति इति एवमेव कस्यचित् यदा इन्द्रियघातः भवति इन्द्रिये दोषः भवति प्रज्ञाचक्षुः रूपं न पश्यति बधिरः तावत् शब्दं न शृणोति नैतावता रूपं नास्ति शब्दो नास्ति इति अस्माभिः वक्तुं शक्यते एवं क्रमेण तावत् एभिः सर्वैरपि हेतुभिः सतोपि वस्तुनः अनुपलब्धिर्भवति इदानीं प्रश्नः समुदेति यत् प्रधानस्य अनुपलब्धिः केन हेतुना भवति तत्र उक्तं सौक्ष्म्यात् तद् अनुपलब्धिर्नाभावादिति प्रधानम् अत्यन्तं सूक्ष्मतत्त्वं वर्तते अत्यन्तं सूक्ष्मत्वात् तावत् तस्य प्रधानस्य अनुपलब्धिर्भवति न अभावात् प्रधानस्य अभावः अस्ति इति कृत्वा तस्य अनुपलब्धिर्भवति इति न वक्तव्यम् एवं क्रमेण तत्र प्रधानस्य उपलब्धिः तर्हि कथं भवति तत्र उक्तं महदादितच्च कार्यं प्रकृतिस्वरूपं विरूपं च कार्यतस्तदुपलब्धेः कार्यं दृष्ट्वा तावत् तस्य प्रधानस्य उपलब्धिर्भवति कार्यं च किं वर्तते महदादितच्च कार्यं
तस्य प्रकृते कार्यम महदादि वर्तते महदारभ्य पंच महाभूत पर्यन्तम् एतत् व्यक्तम जद वर्तते तद व्यक्तम अव्यक्तस्य परिणाम रूपम वर्तते त एतत् कार्यम वर्तते तर्हि एतत् कार्यम दृष्ट्वा तस्य कारणस्य अनुमानम क्रियते जत् कार्यलिंगकम अनुमानम जत्र कार्यमेव लिंगम भवति हेतु भवति तत् कार्यलिंगकम अनुमानम तर्हि कार्यलिंगकेन अनुमानेन तस्य प्रधानस्य अनुमानम भवति प्रधानस्य ज्ञानम भवति इति तत्र उक्तम। तर्हि तत्र बीजं किं वर्तते कार्यं दृष्ट्वा कारणस्य अनुमाने बीजं किं वर्तते बीजं वर्तते कार्यकारणयोः सम्बन्धः कार्यकारणयोः कश्चन घनिष्ठ सम्बन्धो भवति तेन कारणेन तावत् कार्यं दृष्ट्वा कारणस्य अनुमानं कर्तुं शक्यते। तत्र तद्विषये तत्र विदुषां तावत् मतभेदो वर्तते तत्र ये तावत् बौद्धाः सन्ति ते कथयन्ति असतः सज्जायते अर्थात् यदा यदा बीजं नश्यति तदनन्तरम् अङ्कुरोत्पत्तिः भवति अभावात् भावो जायते इति बौद्धानां मतं वर्तते। किञ्च ये वेदान्तिनः सन्ति अद्वैतवेदान्तिनः ते कथयन्ति यत् एकं यद् ब्रह्मतत्त्वं वर्तते तदेव सद्वस्तु वर्तते ततो अन्यत् अखिलं तावद् असद् वर्तते अनित्यं वर्तते जगत् प्रपंचः यः कश्चन दृश्यते स प्रपंचः तावत् मिथ्यात्मकः वर्तते इति वेदान्तिनां मतं वर्तते। किञ्च इदं यत् जगत् कार्यरूपम् इदं यत् जगत् तत् ब्रह्मणः एव विवर्तरूपं तत् जगदस्ति इति तावद् वेदान्तिनः कथयन्ति। किञ्च ये तावत् नैयायिकाः कथय सन्ति ते कथयन्ति यत् परमाणुरूपं यत् कारणं वर्तते तत्तु सद् वर्तते ततः सतः असतः अभिव्यक्ति अर्थात् पूर्वतः यत् कार्यं तत्र असत् कारणे तस्यैव कार्यस्य तावत् उत्पत्तिः भवति इति नैयायिकाः कथयन्ति असतः सज्जायते असतः असज्जायते इति ते कथयन्ति। तत्र उक्तं यत् एतस्मिन् पक्षत्रये कल्पत्रये प्रधानं न सिद्ध्यति प्रधानस्य सिद्धिः न तु बौद्धमतेन भवितुमर्हति असतः सज्जायते इति मतेन न तु तावत् एकस्य सतो विवर्तः कार्यजातं न वस्तु सत् इत्यनेन भवितुमर्हति न वा सतः परमाणुरूपात् असत् कार्यम् उत्पद्यते इति नैयायिकानां मतेन प्रधानस्य सिद्धिर्भवितुमर्हति। अतः प्रधानसिद्धये तावत् साङ्ख्यैः सत्कार्यवादः उपस्थापितः स च सत्कार्यः वर्तते असदकरणात् उपादानग्रहणात् सर्वसम्भवाभावात् शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावाच्च सत्कार्यमिति तत्र प्रथमः हेतुः असदकरणात् यः सर्वथा यद्वस्तु असद् भवति तत् कर्तुं न शक्यते केनापि। तत्र तदनन्तरम् उक्तं यत् उपादानग्रहणात् उपादानपदस्य अर्थः कारणं ग्रहणपदस्य अर्थः कार्येन सह सम्बन्धः यतोहि कार्यकारणयोः सम्बन्धो भवति अत एव यः तावद् दधिना निर्मातुम् इच्छति सः तावद् दुग्धमेव तावद् गृह्णाति अतः उपादानग्रहणादपि कार्यं स्वकारणे सद् इत्यस्य अभिप्रायः वर्तते अभिव्यक्तेः प्रागपि कारणव्यापारात् प्रागपि कार्यं स्वकारणे अव्यक्तरूपेण सत् यदि एवं नोच्येत केवलं यदि कार्यं सत् इति उच्यते तदा तावत् सिद्धसाधनदोषः भवति। अत एव आचार्यवाचस्पतिमिश्रेण उक्तं यत् कारणव्यापारात् प्रागपि इति अंशः तत्र योजनीयः तेन प्रतिज्ञावाक्यं भवति कारणव्यापारात् ऊर्ध्वं यथा कार्यं सत् तथैव कारणव्यापारात् प्रागपि कार्यं स्वकारणे सत् अर्थात् विद्यमानं भवति इति प्रतिज्ञावाक्यं तत्र हेतवः असदकरणात् उपादानग्रहणात् इत्यादयः। तत्र सर्वसम्भवाभावात् इति एकः हेतुः यदि एक सर्वस्मात् सर्वेषां तावत् कार्याणाम् अभिव्यक्तिः स्यात् इति उच्येत तथा तु न भवति यतोहि कस्माश्चिदेव कारणात् कस्यचित् वस्तुनः तावत् अभिव्यक्तिः उत्पत्तिर्वा भवति न तु सर्वस्मात् कारणात् सर्वेषां कार्याणाम् उत्पत्तिः भवति अतः उच्यते सर्वसम्भवाभावात्। किञ्च शक्तस्य शक्यकरणात् यत् कारणं यस्य कार्यस्य अभिव्यक्तये उत्पत्तये वा शक्तं भवति यस्मिन् कारणे तस्य उत्पत्तेः सामर्थ्यं भवति तत् कारणं तदेव शक्यं तावत् उत्पादयति इति शक्तस्य शक्यकरणात् इति हेतुनापि कार्यं पूर्वतः एव स्वकारणे सद् इति सिद्ध्यति। किञ्च तत्र कारणभावाच्च अर्थात्
कार्य कारणयोः अभेदः संबंधो वर्तते, कार्य कारणयोः तादात्म्य संबंधो भवति, एतावतापि तावत् कार्यं स्वकारणे अव्यक्तरूपेण अभिव्यक्ते प्रागपि सत् इति सिद्ध्यति इति उक्तं। तत्र अन्ते कार्य कारणयोः अभेदे ये ये तावत् हेतवः सन्ति, यानि तावत् तत्र कारणानि सन्ति तानि सर्वाणि अपि तत्र उक्तानि। न पटस्तन्तुभ्यो भिद्यते तन्तुधर्मत्वात् इति आरभ्य तावत् तत्र हेतवः अपि तत्र प्रदर्शिताः वर्तन्ते। तदनन्तरं सम्प्रति एकः नवीनः प्रश्नः तत्र अन्ते इदम् उक्तं यत् तन्तवः एव तावत् आविर्भूतपटभावाः भवन्ति, अर्थात् तन्तवः एव पटरूपेण आविर्भवन्ति इति तत्र उक्तं। तन्तूनाम एव पटरूपेण आविर्भावः भवति इति तत्र उक्तं। सम्प्रति एकः नवीनः प्रश्नः उद्भाव्यते नैयायिकैः। अब यहाँ से हम, चूँकि यहीं से हमको आगे पढ़ना है, यहाँ से हम अब हिंदी भाषा में बताएंगे। स्यादेतत् आविर्भावः पटस्य कारणव्यापारात् प्राक् सन् असन् वा। ये जो आपने कहा कि तंतु ही जो हैं पट के रूप में आविर्भूत होते हैं, पट के रूप में तंतु का ही ये आविर्भाव है, ये जो आपने कहा, यह जो आविर्भाव है, यह आविर्भाव आविर्भावः पटस्य माने पट का जो यह आविर्भाव, वह आविर्भाव कारण व्यापारात् प्राक् सन् वा असन् वा। जो कारण व्यापार है अर्थात तूरी बेमादी के द्वारा जो जुलाहा है, वो जो पट का निर्माण करता है, जो कार्य करता है, वो जो कारण व्यापार, उसके पूर्व वह सन् असन् वा, वह आविर्भाव पहले सत्य था या असत था। क्योंकि नैयायिक जानते हैं कि सांख्य जो है सत्कार्यवादी दर्शन है, अतः उसी को लेकर उस पर प्रहार किया जाए। तो पहला यही प्रश्न कर रहे हैं कि ये जो आविर्भाव जिसको आप कह रहे हैं, यह आविर्भाव कारण व्यापार से पूर्व सत है अथवा असत है। असंश्चेत अगर यह आविर्भाव कारण व्यापार से पूर्व असत है, ऐसा अगर आप कहें प्राप्तम तरही असद उत्पादनम, तब फिर उसी कारण व्यापार से पूर्व जो असत आविर्भाव है वही तो आविर्भाव हुआ। तो ऐसी स्थिति में असत की उत्पत्ति हुई ये बात आ जाएगी। अगर आप आविर्भाव को कहें कि कारण व्यापार से पूर्व आविर्भाव नहीं था और कारण व्यापार से उसका आविर्भाव हुआ, ये अगर आप कहेंगे तो आविर्भाव तो पहले था नहीं, आविर्भाव अपने कारण में असत था, जब असत था तो असत की ही उत्पत्ति हुई, ये आपको मानना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो हम मानते हैं कि कारण में जो कार्य पहले से असत है उसी की उत्पत्ति होती है, जो ऐसा हम मानते हैं, आप भी तो वही मानेंगे, आविर्भाव जो पहले नहीं था उसी की उत्पत्ति हुई है, आपको मानना होगा। तो इसी को कह रहे हैं असंश्चेत प्राप्तम तरी असत उत्पादनम। तो कहते अगर आप कहें कि सत है, सांख्य अगर कहेंगे कि नहीं आविर्भाव पहले से सत है अथ सन कृतम तरही कारण व्यापारेण, आविर्भाव अगर पहले से विद्यमान है तो उस आविर्भाव के लिए कारण व्यापार की फिर क्या जरूरत रह जाएगी, कारण व्यापार का क्या प्रयोजन रह जाएगा। कृतम तरही कारण व्यापारेण, व्यर्थ है कारण व्यापार। आगे कहते कि नहीं सति कार्य कारण व्यापार प्रयोजन, अगर कार्य आपका हो गया है, सिद्ध हो गया है, तो उसके लिए फिर कारण व्यापार कोई क्यों करेगा। घाट अगर हो गया है, तैयार हो गया है, तो उसके बाद डंडे से फिर उसको चक्र को चलाना, फिर उसके बाद हाथ से आकार देना, अंत में धागे से उसको काटना और उसको फिर सुखाना और उसके बाद फिर उसको पकाना, ये सारा कारण व्यापार जो है कुंभकार जो करता है, इसकी फिर ज़रूरत ही क्या रह जाएगी। नहीं सटी कार्य कारण व्यापार प्रयोजनम, कार्य सिद्ध हो जाने पर कारण व्यापार का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। कारण व्यापार प्रयोजन पश्याम, और उसके लिए ये कहते हैं कि अगर आप ये कहेंगे कि आविर्भाव भी पहले अनभिव्यक्त दशा में था,
जो आविर्भाव है वो आविर्भाव पहले जैसे आप कहते हैं घट जो है वो अपने कारण मिट्टी में पहले अनभिव्यक्त दशा में रहता है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप कहेंगे कि आविर्भाव भी पहले अनभिव्यक्त दशा में रहता है और कारण व्यापार के द्वारा उसे अभिव्यक्त किया जाता है उस आविर्भाव को, ये अगर कहेंगे तो उस और कहेंगे कि उसी आविर्भाव की अभिव्यक्ति के लिए कारण व्यापार की जरूरत है, ये अगर आप कहेंगे उसका प्रयोजन है कहेंगे तो अनवस्था दोष आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अनभिव्यक्त आविर्भाव का आविर्भाव भी पहले अनभिव्यक्त था तो उसके लिए फिर एक आविर्भाव की कल्पना करनी पड़ेगी, तो अनभिव्यक्त आविर्भाव का आविर्भाव भी पहले अनभिव्यक्त होने के कारण उसको अभिव्यक्त करने के लिए आविर्भाव की अपेक्षा होगी और उस आविर्भाव को अभिव्यक्त करने के लिए भी एक और आविर्भाव की अपेक्षा होगी। इस प्रकार से एक के बाद एक आविर्भाव की अपेक्षा होगी तो ये अनवस्था होगी। इसलिए आगे ये कहते हैं कि तस्मात् आविर्भूत पटभावा स्तंतवः क्रियन्ते इति रिक्तं वचः, ये कहा आविर्भावे च आविर्भावांतर कल्पने अनवस्था प्रसंगः। एक आविर्भाव के लिए दूसरे आविर्भाव की कल्पना, दूसरे के लिए तीसरे आविर्भाव की कल्पना, तीसरे के लिए चौथे की कल्पना, ये चूंकि अनवस्था दोष है, इस अनवस्था दोष के कारण क्या है, तस्मात् आविर्भूत पटभावा, ये जो आप कह रहे हैं कि तंतु ही जो है पट के रूप में आविर्भूत होता है, ये जो आप कहते हैं तंतवः आविर्भूत पटभावा माने तंतु समूह पट रूप में प्रकट होता है, तंतु समूह ही पट रूप में आविर्भूत होता है, ये जो आपका कथन है वो अप्रामाणिक है, रिक्तम वचः, ये प्रामाणिक नहीं है, ये वचन जो है रिक्त है, व्यर्थ है, इस वचन में कोई दम नहीं है, ये नैयायिकों का कहना है। इसका उत्तर देते हुए वस्तुतः ये कहते हैं, एक सिद्धांत है, जस्यो भयो समो दोषः परिहारोऽपि वा समः नैकः पर्यनुयोक्तव्यस्तादृक् अर्थ विचारणे, जिसमें दोनों पक्ष में उभय पक्ष में समान दोष है, जस्यो भयो समो दोषः, जस्य उभयः उभयोः समः दोषः, जब दोनों पक्ष में समान दोष हो तब परिहारोपि वा समः अथवा परिहार भी समान हो तो वहाँ पर नैकः पर्यनुयोक्तव्यः, किसी एक को स्वीकार करना संभव नहीं है, तो तादृक अर्थ विचारणे, तो यहाँ उसी का अनुसरण करते हुए नैयायिक को सांख्य जो हैं उत्तर देते हैं मैवम, तो आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अथ असद उत्पद्यते इति मते केयम असद उत्पत्ति, जिस प्रकार आपने पूछा था, तो ये जो आविर्भाव है वो सत है कि असत है, ये आपने पूछा था कि अभिव्यक्ति से पूर्व या कारण व्यापार से पूर्व आविर्भाव सत है अथवा असत है, उसी प्रकार हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो आप कहते कि घट घट उत्पद्यते, घट की उत्पत्ति होती है, ये जो उत्पत्ति है आप कहते असद उत्पद्यते, अर्थात पहले से जो घट असत था, नहीं था, कारण में विद्यमान नहीं था, उस घट की उत्पत्ति होती है ये जो आप कहते हैं, अथ असद उत्पद्यते इति मते, ये जो आपका मत है उस मत में केयम असद उत्पत्ति, ये असत की जो उत्पत्ति है वो कैसी है, सती असती बा, वो सत है अथवा असत है वो उत्पत्ति, अगर आप कहेंगे सती चेत कृतम तर ही कारण ही, अगर उस उत्पत्ति को आप सत कहेंगे तो फिर कारण व्यापार की कोई जरूरत आपके मत में भी नहीं रह जाएगी, अगर कहें कि असती, अगर उसको असत कहें तस्या अपि उत्पत्यंतरम इति अनवस्था, उसको असत मानने पर उस उत्पत्ति के लिए भी एक दूसरी उत्पत्ति की आवश्यकता, फिर उस उत्पत्ति के लिए भी एक तीसरी उत्पत्ति की आवश्यकता, उस उत्पत्ति के लिए फिर चौथी उत्पत्ति की आवश्यकता, इस प्रकार अनवस्था दोष उसमें आ जाएगा, तस्य असति चेत, उसको उत्पत्ति को अगर असत मानेंगे तो इस प्रकार का अनवस्था दोष आ जाएगा, उसी को कहते तस्यापि उत्पत्यंतरम इति अनवस्था,
इस प्रकार की अनवस्था दोष उसमें जो है आ जाएगा। और आगे कहते हैं कि अथ उत्पत्ति पटात न अर्थांतरम, नैयायिक के उत्पत्ति को पटस्वरूप मान करके अनवस्था का परिहार करने का यहाँ प्रयत्न कर रहे हैं। नैयायिकों पर जो ये आक्षेप किया कि पट को पट की जो उत्पत्ति है वो उत्पत्ति उसको अगर आप असत मानेंगे, असत मानने पर अनवस्था दोष होगा, उस अनवस्था दोष का परिहार करने के लिए नैयायिक कहते हैं कि जो उत्पत्ति है वो पटरूप है। उसी वही कह रहे हैं उत्पत्ति ही पटात न अर्थांतरम, जो उत्पत्ति है वो पट से अर्थांतर नहीं है, माने पट से भिन्न अर्थ भिन्न वस्तु नहीं है, अपितु वो क्या है, पटात्मिका है, अपितु पट एव असौ, वह उत्पत्ति पट ही है। तो कहते तथापि यावद उक्तम भवति पट इति तावद उक्तम भवति उत्पद्यते इति, कहते यहाँ तो आप पट उत्पद्यते ऐसा प्रयोग करते हैं कि नहीं, ऐसा प्रयोग तो करते हैं। तो पट जब उत्पत्ति जो है वो पटात्मिका है, अर्थात पट और उत्पत्ति दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों समानार्थक है, दोनों पर्याय है, तो फिर पट उत्पद्यते का मतलब पट पट उत्पत्ति उत्पत्ति, ये उत्पद्यते उत्पद्यते ये होगा, ये तो पुनरुक्ति होगी, क्योंकि पट का अर्थ भी उत्पद्यते है, उत्पद्यते का अर्थ भी पट है, तो दोनों समानार्थक होने के कारण पट उत्पद्यते की जगह आप कहेंगे पट पट या उत्पद्यते उत्पद्यते ही आप कहेंगे, उसी को कह रहे हैं। अपितु तो पट एव असौ, ऐसा अगर आप कहें उत्पत्ति को, तथापि यावद उक्तम भवति पट इति, जब तक आप पट ऐसा कहते हैं उसका अर्थ ही हो गया उत्पद्यते, तावद उक्तम भवति उत्पद्यते इति, ततश्च पट इत्युक्ते, जब आप पट ऐसा कह देते हैं उत्पद्यते इति न वाच्यम, उसके बाद फिर उत्पद्यते ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उसमें पुनरुक्ति होगी पौनरुक्त्या। और इसी प्रकार विनश्यति इत्यपि न वाच्यम, पट विनश्यति ये भी आपको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अभी अभी आपने माना कि पट का अर्थ है उत्पद्यते, उत्पत्ति पटात्मिका है, माने पट और उत्पत्ति में कोई अंतर नहीं है, ऐसी स्थिति में पटो पट विनश्यति, पट का विनाश हो रहा है, ये आपको नहीं बोलना चाहिए। क्यों? ये जब आप बोलेंगे तो पट का अर्थ हुआ उत्पत्ति और विनश्यति का अर्थ हुआ विनाश, एक साथ एक वस्तु का समान काल में उत्पत्ति और विनाश दोनों कैसे संभव है, तो इसीलिए पट विनश्यति ये प्रयोग भी आपको नहीं करना चाहिए, ये भी आप नहीं कर पाएंगे। विनश्यपि इत्यपि न वाच्यम नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उत्पत्ति विनाशयोर युगपद एकत्र विरोधात्, एक वस्तु में एक समय में समान काल में एक वस्तु में उत्पत्ति और विनाश दोनों संभव नहीं है। इस प्रकार से इसका वो किया, तस्माद इयम पटोत्पत्ति स्वकारण समवायो वा स्वसत्ता समवायो वा, इसलिए जो नैयायिक है उनको मानना होगा कि पटोत्पत्ति नामक जो पदार्थ है वो पट से पृथक है, पट और उत्पत्ति को आप एक नहीं मान सकते हैं, उसको उत्पत्ति को पटात्मिका आप नहीं कह सकते हैं, तो पटोत्पत्ति नामक जो पदार्थ है उसको पट से पृथक है ऐसा आपको मानना होगा। उसी को कह रहे हैं तस्माद इयम पटोत्पत्ति, यह जो पट की उत्पत्ति है उसको कहना होगा स्वकारण समवायात्मक, जो अपने कारण में समवाय संबंध से रहती हो उसको कहेंगे उत्पत्ति को समवायात्मक, स्वकारण स्व अर्थात जो पट है उस पट का जो कारण रूप तंतु आदि है उसमें जो समवाय संबंध से तदात्मक अर्थात तद्रूप है वो पट उत्पत्ति है ऐसा आपको मानना होगा, अथवा स्वसत्ता सत्ता समवायो वा, अथवा स्वसत्ता समवाय का तात्पर्य है, स्व का मतलब है पटात्मक जो कार्य है उसमें जो सत्ता अर्थात जो जाति है उसका समवाय माने तदात्मिका पटोत्पत्ति ऐसा कहना चाहिए। अतः
समवायात्मिका उत्पत्ति भी नित्य होगी, इसलिए उत्पत्ति की उत्पत्ति होना संभव नहीं है। इसी बात को बताने के लिए ये कहते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि पटोत्पत्ति ही स्वकारण समवायो बा स्वसत्ता समवायो बा उभयथापि नोत्पद्यते, दोनों ही स्थिति में ये उत्पत्ति नहीं होगी। अथ च तदर्थानि कार्याणि व्यापार व्यापार्यन्ते, और उसके लिए कारण व्यापार जो हैं वो होते हैं। एवं सत एव पटादेर आविर्भाव भावाय कारणापेक्षा इति उपपन्नम्, इसलिए जो पहले से अपने कारण में सत है, विद्यमान है, ऐसा जो घटपट आदि पदार्थ है, कार्य है, उसी के आविर्भाव के लिए सत एव पटादेर आविर्भावाय, सत जो पट आदि है, तंतु में पहले से सत जो पट आदि है, उसी के आविर्भाव के लिए कारणापेक्षा अर्थात तूरी वेमादि के द्वारा जो व्यापार किया जाता है वो व्यापार की अपेक्षा है। इति उपपन्नम्। न च पटरूपेण कारणेन पटरूपेण कारणानां संबंधः तद्रूपस्य अक्रियात्वा। यहाँ पर पुनः ये कह रहे हैं कि और न पट के रूप के साथ कारणों का संबंध ही उत्पत्ति है, क्योंकि पट का जो रूप है वो तो गुण है, वो क्रिया नहीं है। कारण का संबंध क्रिया के साथ है, कारण जो है उसका संबंध क्रिया के साथ है, वो गुण के साथ नहीं है। अगर आप कहेंगे कि पटरूपेण पट का जो रूप है, पट का रूप जो है वो गुण है, उस गुण के साथ कारणों का संबंध है, ये अगर आप कहने जाएंगे, ये कहना भी उचित नहीं है। क्यों? तद्रूपस्य अक्रियत्वात्। पट का जो रूप है वो क्रिया नहीं है, वो गुण है, अक्रियत्वात्। और कारण क्या होता है? तो कहते क्रिया संबंधित्वाच्च कारणानाम, कारणानाम क्रिया संबंधित्वात्। कारण जो है क्रिया संबंधी होता है, क्रिया के साथ उसका संबंध होता है, गुण के साथ संबंध नहीं है। अन्यथा कारणत्वाभावात्, अगर क्रिया के साथ हम उसका संबंध नहीं मानेंगे तो कारण कारण ही नहीं होगा। इस कारण से ये कहा, तस्मात् सत्कार्यम इति पुष्कलम्, इसलिए कार्यम कारण व्यापारात् प्रागपि स्वकारणे अव्यक्त रूपेण सद, ये जो कहा गया है ये कहना सर्वथा उचित ही है। इस प्रकार से इन सारी चर्चाओं के द्वारा, सारे विचारों के द्वारा सांख्य ने कारण व्यापार से पूर्व अर्थात कार्य की अभिव्यक्ति के पूर्व कार्य अपने कारण में अव्यक्त रूप से विद्यमान रहता है, सत रहता है, इसका निरूपण किया। कारण व्यापार के अनंतर ऊर्ध्व में कार्य तो विद्यमान रहता ही है, लेकिन कारण व्यापार के पूर्व भी कार्य अपने कारण में अव्यक्त रूप से विद्यमान रहता है। तिल में तेल कुल्हों में डालने के पहले से उसमें विद्यमान रहता है, इसीलिए तिल से तेल की अभिव्यक्ति होती है। गाय के स्तन में दोहने के पहले से वो जो है दूध विद्यमान रहता है और उसी की अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार से जो पहले से विद्यमान वस्तु है उसी की अभिव्यक्ति मात्र होती है। इस प्रकार सांख्य का ये जो सत्कार्यवाद है, ये सत्कार्यवाद सिद्धांत इस प्रकार यहाँ उपस्थापित होता है। अब इसके बाद आगे कहते हैं कि नई कारिका प्रारंभ होती है, तदेवं प्रधान साधनानुगुणं सत्कार्यम् उपपाद्य यादृशं तत्प्रधानं साधनीयं तादृशं आदर्शयितुं विवेक ज्ञानोपयोगिनी व्यक्ता व्यक्त सारूप्य वैरूप्ये तावद् आह। यहाँ पर कहते हैं कि प्रधान साधनानुगुणं सत्कार्यम् उपपाद्य, प्रधान की सिद्धि करने के लिए जो अपेक्षित है उसके अनुकूल जो सत्कार्य है, माने कार्य पहले से अपने कारण में विद्यमान, ये संबंध है, क्योंकि कार्य और कारण में तादात्म्य संबंध है। कारण भावाच्च सत्कार्यम जो कहा था वही निष्कर्ष है कि कार्य कारणात्मक है, दोनों के बीच में संबंध है, इसी से हम कार्य को देख करके कारण का अनुमान कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो सत्कार्यवाद है वो प्रधान को सिद्ध करने के अनुकूल सिद्धांत है, इसीलिए प्रधान साधनानुगुणम सत्कार्यम उपपाद्य, ऐसे सत्कार्य की उपपत्ति करते हुए, सत्कार्य को सिद्ध करते हुए, यादृशम तत्प्रधानम साधनीयम, जिस प्रकार के प्रधान की सिद्धि हमको करनी है, तादृशम आदर्शयितुम उसी
प्रधान को उसी रूप में दिखाने के लिए विवेक ज्ञानोपयोगिनी, जो विवेक ज्ञान के लिए उपयोगी है, क्या व्यक्ता व्यक्त सारूप्य वैरूप्य, व्यक्त और अव्यक्त, अव्यक्त है प्रकृति, व्यक्त है महातत्व से लेकर के पंच महाभूत तक ये 23 तत्व, तो इनमें परस्पर जो सारूप्य और वैरूप्य है, समान रूपता, स्वरूपस्य भावः सारूप्यम, विरूपस्य भावः वैरूप्यम, अर्थात साधर्म्य और वैधर्म्य, समानता और असमानता, इनको बतलाने के लिए सारूप्य वैरूप्य तावद आह, सारूप्य और वैरूप्य इन दोनों को बतलाते हैं। क्या हेतुमद अनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। यहाँ ये कह रहे हैं कि जो व्यक्त है, व्यक्तम, व्यक्त में परस्पर ये साधर्म्य है, सभी जो व्यक्त है माने महत्तत्व से लेकर के पंच महाभूत तक जो ये 23 व्यक्त तत्व है उनमें ये समान धर्म है। क्या समान धर्म है? व्यक्तम हेतुमत, व्यक्तम अनित्यम, व्यक्तम अव्यापी, व्यक्तम सक्रियम, व्यक्तम अनेकम, व्यक्तम आश्रितम, व्यक्तम लिंगम, व्यक्तम सावयवम, व्यक्तम परतंत्रम। इस प्रकार व्यक्त में ये समान धर्म है, इसको बतलाया। एक एक की व्याख्या स्वयं करेंगे तो इसलिए हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। व्यक्त हेतुमत है, अनित्य है, अव्यापी है, सक्रिय है, अनेक है, आश्रित है, लिंग है और सावयव है और परतंत्र है। और जो अव्यक्त है वो कैसा है? तो कहते हैं विपरीतम अव्यक्तम, अव्यक्त ठीक इसके विपरीत है। तो विपरीत है जो हेतुमत का विपरीत होगा वो क्या है? अहेतुमत। नित्य जो अनित्यम का विपरीत क्या होगा? नित्यम। और अव्यापी का विपरीत क्या होगा? व्यापी। सक्रियम का विपरीत क्या होगा? अक्रियम। और अनेकम का विपरीत क्या होगा? एकम। और आश्रितम का विपरीत होगा अनाश्रितम, लिंगम का विपरीत होगा अलिंगम, और सावयवम का विपरीत होगा निरवयवम, परतंत्रम का विपरीत होगा स्वतंत्रम। इस प्रकार से जो अव्यक्त है व्यक्त के विपरीत है, ये इस कारिका में बतलाया गया। अब एक एक की यहाँ पर व्याख्या कर रहे हैं। हेतुमत इति, व्यक्तम हेतुमत, जो व्यक्त है अर्थात महत्तत्व से लेकर के पंच महाभूत तक जो ये 23 तत्व है, इन 23 तत्वों को कहा गया है हेतुमत। हेतु अस्य अस्ति इति हेतुमत। हेतु जिसमें हो, कारण जिसमें, हेतु का अर्थ है कारण, इसलिए यहाँ पर कहा व्यक्तम हेतुमत हेतु कारणम तदवत, माने कारणवत, हेतु वाला होना, उसमें किसी न किसी हेतु का होना, यही जो है हेतुमत्व है, कारणवत्व है, उसी को कहते हेतु कारणम तदवत हेतुमत। जस्य च जो हेतु तद उपरिष्टात बक्षति, जो जिसका हेतु है उसको आगे चल करके बताएंगे। संक्षेप में आप समझ लीजिए कि जो महत्तत्व है उसका जो हेतु है, कारण है, वो स्वयं अव्यक्त प्रकृति है, और अहंकार का कारण जो है वो महत्तत्व है, और पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन, ये एकादश इंद्रिय, और शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूप जो ये पंच तन्मात्र, इनका जो हेतु है वो है अहंकार। और उसमें भी फिर विभाजन करेंगे कि सात्विक अहंकार से जो है इंद्रियां है, और तामस अहंकार से पंचतन मात्र है, उसका भी निरूपण आगे करेंगे ये सब विशद रूप से। लेकिन संक्षेप में आप समझ लें कि अहंकार जो है इनका कारण है, हेतु है, और जो पंच महाभूत है उसका हेतु है पंचतन मात्र। इस प्रकार से ये सारे जो व्यक्त है, 23 जो व्यक्त तत्व है, ये हेतु मत, इनका अपना अपना हेतु है, कारण है। इसलिए जस्य स जो हेतु स्तम उपरिष्टात बक्ष्यति, आगे चल करके इसको विशद रूप में बतलाएंगे। हेतुमत के बाद कहा अनित्यम, व्यक्त जो है अनित्य है, अनित्य का मतलब है विनाशी, विनाशी का तात्पर्य सर्वथा नष्ट होना नहीं है, वो तिरुभावी इति यावत, अर्थात व्यक्त का तिरुभाव होता है अपने कारण में, उसका तिरोभाव होता है, तिरोभाव होना ही विनाश है,
विनाश का तात्पर्य सर्वथा समाप्त होना नहीं है, क्योंकि ऐसे भी नश धातु का अर्थ नश अदर्शन है। नश का अर्थ होता है अदर्शन, दिखाई ना पड़ना। इसलिए इसकी व्याख्या करते हुए तत्व को उंडिकार कहते हैं, अनित्यम माने विनाशी, आगे सजग है, इसलिए कहते विनाशी का अर्थ आप सर्वथा नष्ट होना न समझे, तिरोभावी इति जावत। उसका तिरोभाव होता है, अपने कारण में उसका विलय होता है, यही विनाशी का तात्पर्य है, अनित्य होने का तात्पर्य है। अव्यापी, अव्यापी का क्या मतलब है, सर्वम परिणामिनम न विव्याप्नोति, जितने परिणामी है उन परिणामियों को व्याप्त करके वो स्थित नहीं होता है। सर्वम परिणामिनम न व्याप्नोति, परिणाम अस्ति अस्य इति परिणामी, तो उससे समस्त परिणामी को व्याप्त करके स्थित नहीं है, अव्यापी है माने अव्यापक है, अर्थात जो सर्वगत नहीं है, सभी में विद्यमान नहीं है। तो व्यक्त पदार्थ जो है अव्यापक है, इसी बात को बतलाने के लिए ये कहा अव्यापी। कारणेन ही कार्यम आविष्टम न कार्येन कारणम, जो कारण है उस कारण के द्वारा समस्त जो कार्य है वो व्याप्त रहता है, समस्त कार्यों में कारण जो है वो अनुस्यूत रहता है। जैसे पट है, पट रूप कार्य में तंतु जो है अनुस्यूत रहता है, उसके बिना हम उस कार्य की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, वो कारण जो है उसमें व्याप्त है कार्य में, लेकिन कार्य कारण में व्याप्त हो ये आवश्यक नहीं है। तो इसलिए ये कहा कि कारणेन ही कार्यम आविष्टम न कार्येन कारणम, न च बुद्ध्यादय प्रधानम वेविशति इति अव्यापकः। जो बुद्धि आदि है वो प्रधानम वेविशति माने प्रधान को व्याप्त करके विद्यमान हो, ऐसा नहीं है। प्रधान को व्याप्त करता हो बुद्धि आदि, ऐसा नहीं है, लेकिन जो प्रधान है प्रकृति है वो सर्वत्र व्याप्त है, बुद्धि से लेकर के पंच महाभूत तक प्रत्येक तत्व में प्रधान जो है अनुस्यूत है, व्याप्त है। इसी को बतलाने के लिए कहा कि न च बुद्ध्यादय प्रधानम विविशति इति अव्यापकः, इसीलिए बुद्धि आदि माने बुद्धि तत्व से लेकर के पंच महाभूत तक ये 23 तत्व अव्यापक है, वो प्रधान को व्याप्त नहीं करते हैं। उसके बाद कहा सक्रियम माने व्यक्तम सक्रियम, जो व्यक्त है वो सक्रिय है। सक्रिय का अर्थ सीधे होता है क्रिया से युक्त होना, लेकिन यहाँ पर ये जो सक्रिय है पारिभाषिक है, यहाँ इसीलिए आचार्य वाचस्पति मिश्र ने कहा परिस्पंद रूप क्रिया इसमें है, इसीलिए कहा परिस्पंदवत। और ये परिस्पंद है क्या, तथा ही बुद्ध्यादय उपात्तम उपात्तम देहम त्यजंती देहांतरम च उपादतते इति तेषां परिस्पंदः। परिस्पंद को समझाने के लिए आचार्य वाचस्पति मिश्र ने कहा कि जो बुद्धि आदि जो ये तत्व है ये क्या है, उपात्तम उपात्तम देहम त्यजंती, एक एक देह को प्राप्त करके और उस देह का फिर वो त्याग करते हैं बुद्धि आदि। बुद्ध्यादय उपात्तम उपात्तम अर्थात प्राप्तम प्राप्तम देहम, एक एक जो नया नया शरीर प्राप्त करता है उस शरीर का वो त्यजंती, उसका त्याग करता है, और उसके बाद देहांतरम च उपादते इति तेषां परिस्पंदः, दूसरे देह को वह प्राप्त कर लेते हैं। तो ये दूसरे देह को प्राप्त करना, एक देह का त्याग दूसरे देह का ग्रहण, ये जो प्रक्रिया है इसी को कहा गया है परिस्पंद। तो इसीलिए यहाँ क्रिया का अर्थ है परिस्पंद, सक्रियम का अर्थ हुआ परिस्पंदवत। इसी को बताया कि तथा ही बुद्ध्यादय उपात्तम उपात्तम देहम त्यजंती देहांतरम च उपादते इति तेषां परिस्पंदः, ये बुद्धि आदि का ये परिस्पंद रूप क्रिया है। शरीर पृथिव्यादीनां च परिस्पंदः प्रसिद्ध एव, जो शरीर है और पृथ्वी आदि जो है इसका जो परिस्पंद है, पृथ्वी आदि जो पंच महाभूत है वो पार्थिव है, जलीय है, तेजस है, वायवीय है, जरायुज है, अंडज है, स्वेदज है, उद्भिज्ज है, ये सब हमारे शरीर के भेद है। ये सब जो भेद है
ये इसका इसमें जो परिस्पंद है वो परिस्पंद तो प्रत्यक्ष ही है, इसीलिए कहा शरीर पृथ्व्यादीनाम च परिस्पंद प्रसिद्ध एव, ये प्रसिद्ध है। और अनेकम कहा, व्यक्त क्या है, अनेक है। प्रतिपुरुषम बुद्धियादीनाम भेदा, तो कहते प्रत्येक पुरुष के लिए बुद्धि आदि भिन्न भिन्न है। प्रत्येक पुरुष में बुद्धि आदि जो ये तत्व है, ये तत्व भिन्न भिन्न है। तो भिन्न भिन्न होने के कारण बुद्धि आदि के भेद होने से ये अनेक है। पृथिव्याद्यपि शरीर घटादि भेदेन अनेकम एव, जो पृथ्वी आदि है वो भी शरीर भेद से और घटपट आदि भेद से ये भी जो हैं अनेक है, ये भी बात सिद्ध होती है। इसीलिए कहा अनेकम का तात्पर्य प्रतिपुरुषम बुद्धियादि नाम भेदात, और पृथिव्याद्यपि शरीर घटादि भेदेन अनेकम एव। उसके बाद कहते हैं आश्रितम, व्यक्त जो है आश्रित है। आश्रित होने का मतलब है कि अपने कारण में आश्रित है, हर कार्य जो है अपने कारण में आश्रित होता है। इसलिए कहा स्वकारणम आश्रितम। बुद्धियादि कार्यानाम अभेदेपि, जो बुद्धि आदि कार्य वो कारण के साथ अभिन्न है, लेकिन अभिन्न होते हुए भी कथनचित भेद व्यवस्था भेद विवक्षया, कारण और कार्य में कथनचित भेद की विवक्षा के द्वारा यहाँ पर आश्रयाश्रय भाव, अर्थात कारण जो है वो आश्रय है और उसमें कार्य जो है आश्रयी है, इस कारण से कहा आश्रितम स्वकारणम आश्रितम। बुद्ध्यादि जो कार्य है वो अपने कारणभूत जो प्रकृति है उसमें आश्रित है, इसीलिए कहा यद्यपि उससे अभिन्न है, अभिन्न होते हुए भी भेद विवक्षया यहाँ पर आश्रयाश्रय भाव बतलाया गया है। कार्य जो है वो आश्रित है उसमें अपने कारण रूप आश्रय में, इसीलिए इनमें आश्रयाश्रय भाव। और इस आश्रयाश्रय भाव का जो औचित्य है, इस प्रकार के अभेद में भी जो आश्रयाश्रय भाव है उसके औचित्य का निरूपण करते हुए आचार्य वाचस्पति मिश्र कहते हैं यथा यह बने तिलका इति उत्तम, कल भी यह प्रसंग आया था। जैसे तिलक नाम का जो वृक्ष है उसके लिए कहते वने तिलका, वन में तिलक वृक्ष है, तो वन और तिलक वृक्ष, वृक्ष और वन में कोई अंतर नहीं है, वृक्षों का समुदाय ही जो है वो वन है, लेकिन हम व्यवहार करते वने तिलका, वन में तिलक वृक्ष है। आम के बगीचे में आम का पेड़ है, तो आम के बगीचा, बगीचा और आम का वृक्ष दोनों तो एक ही है, आम के वृक्ष समुदाय ही जो है आम का बगीचा है, लेकिन हम कहते हैं कि आम के बगीचे में आम का पेड़, तो बगीचे में आम का पेड़ जैसे हम कहते हैं, उन दोनों में भेद न होते हुए भी हम इस प्रकार के भेद विवक्षया इस प्रकार का प्रयोग करते हैं, बने तिलका इस प्रकार का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार से कारण और कार्य में अभेद होने पर भी आश्रयाश्रय भाव, कारण में कार्य जो है आश्रित है, स्वकारणाश्रितम कार्यम, ये इस प्रकार का व्यवहार हम करते हैं भेद विवक्षया, इसी को कहा आश्रितम। और व्यक्तम लिंगम, जो व्यक्त है वो लिंग है, लिंग का तात्पर्य है प्रधानस्य लिंगम, लिंगम का तात्पर्य है अनुमापकम, जैसे धूम जो है वो वर्णित्व सामान्य का अनुमापक है, धूम को देख करके, धुएं को देख करके पर्वत में हम वर्णित्व सामान्य का जैसे अनुमान करते हैं, उसमें धूम जो है वो क्या है, लिंग है, अर्थात हेतु है, अनुमापक है। ठीक उसी प्रकार से ये जो व्यक्त है वो प्रधानस्य लिंगम, प्रधान का लिंग है, प्रधान का अनुमापक है। इसके पहले भी हम लोग ये पढ़ चुके कि महदादि तच्च कार्यम प्रकृति स्वरूपम विरूपम च, महद आदि जो हैं उस प्रकृति के जो हैं कार्य है, और उस कार्य को देख करके कार्यलिंगक अनुमान से हम प्रकृति का अनुमान करते हैं, इसलिए ये जो व्यक्त जो कार्य है ये कार्य प्रधान का अनुमापक होने के कारण उसको कहा गया है लिंगम। यथा च एते बुद्ध्यादय प्रधानस्य लिंगम, ये बुद्धि आदि जो 23 तत्व है ये जिस प्रकार से प्रधान का अर्थात प्रकृति का लिंग है, अर्थात हेतु है, प्रकृति को सिद्ध करने में हेतु है, प्रकृति का अनुमापक है, ये तथा उपरिष्टात बक्ष्यति, इसका निरूपण हम बाद में विस्तार से करेंगे। प्रधानम तो न प्रधानस्य लिंगम, जो प्रधान है वो स्वयं प्रधान का लिंग नहीं है,
और पुरुषस्य लिंगम भवद अपि इति भावः। वो पुरुष का लिंग है, पुरुष का अनुमापक तो है प्रधान प्रकृति, लेकिन आगे क्योंकि कहेंगे संघात परार्थत्व, तो इस दृष्टि से जो प्रधान है प्रकृति है वो पुरुष का अनुमापक है, इसीलिए कहा पुरुषस्य लिंगम भवद अपि प्रधानस्य न लिंगम इति भावः। प्रधान प्रधान का लिंग नहीं है, इसी को कहते प्रधानम तो न प्रधानस्य लिंगम पुरुषस्य लिंगम भवद अपि इति भावः। और आगे कहते सावयवम अवयवावयवी संयोग संयोगी, ये कह रहे हैं कि ये सावयव है, व्यक्त जो है वो सावयव है, अवयव के साथ होना इसी को हम कहेंगे सावयव होना। तो सावयव की व्याख्या करते हुए ये कहते हैं अवयवावयवी संयोग संयोगी अथवा अवयवनम अवयव, सावयव का अर्थ हुआ अवयव अवयवी भाव होना, अवयव के अवयव और अवयवी भाव संयोग का होना, संयोग और संयोगी का होना, इसी को कहेंगे सावयव होना। अथवा दूसरी व्याख्या करते अवयवनम अवयवी, अवयवनम का तात्पर्य है मिठा संश्लेषः, अवयवावयवान अवयवानाम अवयवानाम मिठः, जो अवयव है और जो अवयवी है इनमें परस्पर जो संश्लेष है, संश्लेष का तात्पर्य है मिश्रणम, इनमें परस्पर जो मिश्रण है उसी को दूसरे शब्द में कहेंगे संयोग इति जावत, परस्पर जो संयोग है उसी को हम कहेंगे सावयव होना। अप्राप्ति पूर्विका प्राप्ति संयोग, संयोग कहते किसको है, अप्राप्ति पूर्वक जो वस्तु पहले से अप्राप्त है तत्पूर्वक उसकी प्राप्ति होना, इसी का नाम है संयोग। दो हाथों को आप देखिए, एक हाथ दूसरे से संयुक्त नहीं है, और जो पहले से संयुक्त नहीं है जो अप्राप्ति है, तो अप्राप्ति पूर्वक दोनों हाथ का जैसे हम एक साथ दोनों को मिला देते हैं उसको कहेंगे संयोग, एक हाथ के साथ दूसरे हाथ का संयोग, उसी को यहाँ पर वो स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि अप्राप्ति पूर्विका प्राप्ति ही संयोग तेन सह वर्तते, इस प्रकार के संयोग के साथ विद्यमान है कौन, व्यक्त, इस कारण से व्यक्त को सावयव कहा गया है। एवं हाँ तथा ही पृथिव्यादय परस्परम संयुज्यन्ते, पृथ्वी आदि जो तत्व है ये एक दूसरे से संयुक्त होते हैं, इनमें परस्पर संयोग होता है। एवं अन्य भी इसी प्रकार जो अन्य तत्व है वे सभी जो हैं एक दूसरे से संयुक्त होते हैं, इसलिए इनको सावयव कहा गया है। न तो प्रधानस्य बुद्धियादि भी संयोग तादात्म्यात्, प्रधान का बुद्धि आदि के साथ संयोग संबंध नहीं है क्योंकि उसमें तादात्म्य संबंध है, इसीलिए कहा न तो प्रधानस्य बुद्धियादि भी संयोग क्योंकि तादात्म्यात्, उनमें तादात्म्य संबंध है। नापि सत्व रजस तमसाम परस्परम संयोग अप्राप्ते अभावात्, सत्व रजस और तमस इनमें भी परस्पर संयोग नहीं संभव है क्योंकि संयोग जो अव्यापक तत्व है उसी में संभव है क्योंकि अव्यापक में ही अप्राप्ति होती है, जो व्यापक है वो तो सर्वत्र प्राप्त है, इसीलिए कहा कि नापि सत्व रजस तमसाम परस्परम संयोग, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण इनमें परस्पर संयोग नहीं है, क्यों अप्राप्ते अभावात, एक दूसरे से जो है अप्राप्त है ऐसा है ही नहीं, अप्राप्ति के अभाव के कारण उनमें परस्पर संयोग संभव नहीं है। और परतंत्र कहा, जो बुद्धि आदि जो व्यक्त है वो परतंत्र है, क्यों बुद्धिया स्वकार्य अहंकार्य जनयितव्य प्रकृत्या पूरा अपेक्षते, बुद्धि को जब अपना कार्य अहंकार है उसको अभिव्यक्त करना होता है तब फिर प्रकृति की सहायता की जरूरत, आपूर्व का तात्पर्य वही सहायता, प्रकृति की सहायता की अपेक्षा रहती है, अन्यथा क्षीणा सती, अगर प्रकृति की सहायता प्राप्त न हो ऐसी स्थिति में वो क्षीणा सती, वह बुद्धि क्षीण होती हुई नालम अहंकारम जनयितुमिति स्थिति, वह अहंकार को उत्पन्न नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार से एवं अहंकारादि भी अपि स्वकार्य जनने, इसी प्रकार अहंकार को जब अपने कार्य एकादश इंद्रिय पंच तन्मात्र उनकी अभिव्यक्ति जब करनी होती है, उनकी उत्पत्ति जब करनी होती है तब उसको हाँ, तो सभी को अपने अपने कार्य की अभिव्यक्ति के लिए प्रकृति की, प्रकृति का आपूर अर्थात प्रकृति की सहायता की अपेक्षा होती, इति सर्वम स्वकार्येषु प्रकृत्यापूरम अपेक्षते, तेन पराम प्रकृतिम अपेक्षमानम
कारणम अपि स्वकार्य जनने परतंत्रम व्यक्तम। इसलिए जो परा प्रकृति है उस प्रकृति की अपेक्षा करते हुए प्रत्येक जो कारण है वो स्वकार्य जनने अपने अपने कार्य को अभिव्यक्त करने में, यहाँ जनन का तात्पर्य सदैव आप सांख्य की दृष्टि से अभिव्यक्त करने में यही अर्थ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कारणम अपि स्वकार्य जनने परतंत्रम, अपने कार्य को उत्पन्न करने में वो स्वतंत्र ना हो करके परतंत्र है, इसलिए उनको परतंत्र कहा गया। और विपरीतम अव्यक्तम, अव्यक्त जो है व्यक्त के विपरीत है, उसी को कहा व्यक्तात्, इतना समझना चाहिए, माने व्यक्तात् विपरीतम अव्यक्तम। अहेतुमन नित्यम, अहेतुमन नित्यम माने जहाँ व्यक्त जो है हेतुमत है और जो अव्यक्त है वो कैसा होगा, अहेतुमत होगा। जहाँ वो अनित्य है वहाँ नित्यम, अहेतुमत नित्यम। जहाँ वो अव्यापी है यहाँ व्यापी, जहाँ सक्रिय है यहाँ निष्क्रियम। फिर यद्यपि अव्यक्तम अव्यक्तस्य अस्ति परिणाम लक्षणा क्रिया तथापि परिस्पंदो नास्ति। तो ये कह रहे हैं कि अव्यक्त का क्या है, अव्यक्त में ये बता रहे हैं कि यद्यपि अव्यक्तस्य अस्ति परिणाम लक्षणा क्रिया, अव्यक्त में परिणाम स्वरूप जो क्रिया है वो क्रिया तो होती रहती है, क्योंकि अव्यक्त अवस्था में भी अर्थात जिस समय गुणों में वैषम्य नहीं होता है, सृष्टि नहीं होती है, प्रलय की अवस्था में जो गुण है सत्व रजस और तमोगुण ये समान अवस्था में रहते हैं, सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति ही, उस प्रकृति की अवस्था में भी परिणाम होता है उसको स्वरूप परिणाम कहते हैं, और जब सृष्टि होती है तो उस समय होने वाला जो परिणाम है उसको विरूप परिणाम कहते हैं। इसीलिए प्रकृति में यद्यपि वो परिणाम रूप जो क्रिया है वो तो विद्यमान है, इसी को कहते हैं यद्यपि अव्यक्तस्य अस्ति परिणाम लक्षणा क्रिया तथापि परिस्पंदो नास्ति। इसके पहले जो परिस्पंद बताया, एक एक देह को छोड़ करके दूसरे देह तक जाना, ये प्रकृति नहीं करती है, तो इसीलिए कहा उसमें ये परिस्पंद क्रिया नहीं है, इसीलिए उसको कहा निष्क्रियम। एकम और वह जो अव्यक्त है वो एक है, अनाश्रित है किसी उसका कारण चूंकि कोई नहीं है, वो सबका मूल कारण है, इसीलिए किसी कारण में आश्रित होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, इसीलिए अनाश्रित है वो, अलिंग है और अनवयव है, अवयव रहित है, और स्वतंत्रम वो स्वतंत्र है, इस प्रकार से स्वतंत्रम अव्यक्तम, एकम अनाश्रितम अलिंगम अनवयवम स्वतंत्रम अव्यक्तम। इस प्रकार से व्यक्त के विपरीत किस प्रकार अव्यक्त है इसका प्रतिपादन इस कारिका के द्वारा किया गया। धन्यवाद।